हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है तहे दिल से। आज का टॉपिक करंट अफेयर्स 15 सितंबर 2023 की क्लास महत्वपूर्ण है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दोस्तों में ज़रूर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर ए उत्तराखंड। राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में FIS ने किस देश में ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस लिए हैं? ए पाकिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। इसका करेक्ट आंसर ए पाकिस्तान ने FIS ने ओलंपिक क्वालिफायर में मेजबानी से वापस लिए हैं अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में 14वीं G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई? ए वाराणसी, बी मुंबई, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर ए वाराणसी में 14वीं G20 सतत कार्य समूह की बैठक शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में गोपाल बांगले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी सऊदी अरब, डी कनाडा। इसका करेक्ट आंसर ये ऑस्ट्रेलिया में गोपाल बांगले भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में इयान विलमोट का निधन हुआ, वहाँ कौन थे? ए वैज्ञानिक, बी पत्रकार, सी लेखक, डी संगीतकार। इसका करेक्ट आंसर ए वैज्ञानिक, इयान विलमोट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से पहले दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के पास नोटिफिकेशन को प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में सबसे तेज 150 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर हैं, वो कौन हैं? ए कुलदीप यादव, बी शार्दुल ठाकुर, डी वरुण चक्रवर्ती, डी बुमराह। इसका करेक्ट आंसर ए कुलदीप यादव हाल ही में 150 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय स्पिनर का रोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण को विकसित किया है? ए IISc बेंगलोर, बी IIT का खड़गपुर, सी IIT दिल्ली, डी IIT कानपुर। इसका करेक्ट आंसर ए IISc बेंगलोर ने शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, किस देश की वर्षा को एयरबेस किस देश की वायुसेना को एयरबेस से पहला C-295 परिवहन विमान मिलेगा? इसका करेक्ट आंसर ए भारत को, बी श्रीलंका को, सी नेपाल को, डी बांग्लादेश को। इसका करेक्ट आंसर ए भारत को। भारत एयरबेस का पहला C-295 295 परिवहन विमान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, हाल ही में किसी ने पांचवी बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियन जीती है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर ए महाराष्ट्र ने पांचवी बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियन जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दस,
हाल ही में ITIA ने सिमोना हेलेप पर डोपिंग के आरोपों में कितने साल का प्रतिबंध लगाए हैं, ए 4 वर्ष का, बी 86 वर्ष का, सी 8 वर्ष का, डी 5 वर्ष का। इसका करेक्ट आंसर ए 4 वर्ष का। सिमोना हेलेप डोपिंग आरोपों को 4 साल का प्रतिबंध लगाए हैं। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।